नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आप सबका स्वागत करता हूं लावण्य ग्लोबल करियर प्लान के एक नया वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सिंगापुर के रिलेटेड। इसके पहले भी मैंने एस पास के बारे में वीडियो बनाया था, अगर अब तक आपने देखा नहीं है तो एक बार जाके वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं बहुत अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ एस पास को लेके। नीचे मैं इन डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे देता हूँ, वो वीडियो को जाके जरूर देखिए। और आज मैं बात करने वाला हूँ ई पास के बारे में। ई पास है क्या? क्योंकि देखिए, सिंगापुर जाने के लिए हर किसी का सपना होता है, क्योंकि सिंगापुर एक ऐसे जगह है जहां पर आप जाके लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। बशर्ते आपको पता चलना चाहिए कि कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या क्या जॉब होता है, कितना सैलरी होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत लोग जो है दोस्तों आपसे पैसा भी ले लेते हैं और आपका जॉब भी नहीं हो पाता। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, वीडियो को सिंगल सेकंड भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं ताकि आप अपना पैसा और समय दोनों बचा सके। अगर पहले बार आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हरदम मिलता रहे। मैं लाते रहता हूं होटल मैनेजमेंट के रिलेटेड और बहुत से करियर रिलेटेड वीडियोस जो आपको अपने करियर में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, ई पास क्या होता है। वैसे तो सिंगापुर के लिए टोटल 7 डिफरेंट टाइप के वीजा बनते हैं और ई पास उसमें से टॉप वीजा होता है। 7 जो वीजा है पहले वो बता दूं मैं, ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन सा वीजा होता है। तो सबसे पहले है ई पास। ई पास यानी एम्प्लॉयमेंट पास। उसके बाद आता है एस पास। नेक्स्ट है डिपेंडेंट वीजा, वर्क परमिट। अगला है एंटरप्रेन्योर पास। जो अगला है दोस्तों वो है पीईपी, पर्सनल एम्प्लॉयमेंट पास। और जो फाइनल जो 7वां नंबर का वीजा है वो होता है दोस्तों टीईपी, यानी ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट पास। और हर पास यानी हर वीजा के बारे में मैं बारी बारी करके वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप सबको आसान हो जाए समझने के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं ई पास के बारे में। तो ई पास का क्राइटेरिया क्या है, कितना एलिजिबिलिटी चाहिए इसमें, कितना सैलरी होता है, कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंस है, आज हम इन डिटेल्स में जानेंगे। दोस्तों वैसे तो एम्प्लॉयमेंट पास जो है वो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी देश से बिलोंग करता हो, किसी भी कंट्री का हो। लेकिन आज हम बात करें इंडियंस। अगर आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ई पास के लिए सिंगापुर में। इसके लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट। और ई पास को अप्लाई कर सकता है जो हाई स्किल्ड का जॉब है, जैसे कि आप अगर मैनेजर हैं किसी कंपनी में, एग्जीक्यूटिव हैं, सीईओ हैं, या फिर इसी तरह का जो हायर पोजिशन में काम करते हैं। लेकिन इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन दोस्तों वो है ग्रेजुएट। आप ग्रेजुएट हो, मास्टर्स हो, लेकिन ग्रेजुएट के ऊपर ही होना चाहिए। और आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का 4 साल का, तभी जाके आपको ये पास जो है वो मिलता है। अब बात करें कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौन अप्लाई मतलब मैंने पहले आपको बताया, जो ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो हायर पोजिशन में काम कर रहे हैं वो गुड एक्सपीरियंस वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वीजा का अप्लाई करते हैं तो आपके बिहाफ में कौन कर सकता है? एक तो आपका कंसल्टेंट, लेकिन कंसल्टेंट आपको सिर्फ हेल्प कर सकता है अप्लाई कर सकता है वीजा के लिए, वो सिर्फ एम्प्लॉयर, यानी कि जहां पर आप काम करने जा रहे हैं वो कंपनी ही आपके लिए एम्प्लॉयमेंट पास अप्लाई कर सकता है। ना कोई कंसल्टेंसी अप्लाई कर सकता है, ना आप एम्प्लॉयमेंट पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एम्प्लॉयमेंट पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर ही अप्लाई कर सकता है, चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट से हो, चाहे और एक वीजा डिपार्टमेंट होता है हर बड़ा बड़ा कंपनी में, वो अप्लाई करते हैं। लेकिन कंपनी ही आपके लिए वीजा अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं इसका वैलिडिटी, कितना दिन का वीजा होता है। तो दोस्तों ये मिनिमम जो है 3 साल का वीजा बनता है, उसके बाद आप उसको रिन्यू कर करके आप जितना दिन काम करते हैं कंपनी के साथ, अगर अच्छा आपका रिलेशन है, कंपनी चाहता है कि आप उनकी कंपनी में काम करें, तो आपका वीजा को वो रिन्यू करते जाएंगे और आप काम करते जाएंगे कंपनी में। अब बात आती है यहां पर सैलरी कितना होगा। तो सैलरी बता दूं मैं दोस्तों, मिनिमम ई पास का जो सैलरी है वो 3600 सिंगापुर डॉलर, जो है लोएस्ट सैलरी, इस सैलरी से स्टार्ट होता है। इसके बाद आपका जितना तजुर्बा है, जितना एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका सैलरी बढ़ते बढ़ते जाएगा, वो अनलिमिटेड है।
कोई कंपनी आपको 6,000 दे सकती है, कोई $7,000 दे सकता है, कोई $10,000 दे सकता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है और आपका पोजीशन और आपका एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो लोएस्ट सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी, वो होता है $3,600। इसका हम बात करेंगे इंश्योरेंस। दोस्तों इसमें मेडिकल इंश्योरेंस कंपलसरी है। अगर आप सिंगापुर में एज ए ई पास एम्प्लॉइज जाते हैं, ई पास वीजा के साथ जाते हैं, आपके पास मैंडेटरी मेडिकल इंश्योरेंस होना जरूरी है। अगर आपको कंपनी ने नहीं दिया, हालांकि कंपनी देना चाहिए, लेकिन अगर आपको कंपनी ने नहीं दिया तो आपको खुद से खरीदना है, लेकिन ये कंपलसरी है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों देखिएगा, कहीं भी क्या कंसल्टेंसी के थ्रू हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे कोई कंपनी में कोई रेफरेंस दे रहा हो, सबसे पहले आपको देखना है कौन सा पोजीशन है, क्या आप उसमें एलिजिबल हैं। जैसे आपका एलिजिबिलिटी हो जाती है, आप अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं कंपनी को, कंपनी आपका शॉर्टलिस्ट करेगी या फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपके पास ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर में सारी चीज मेंशन रहेगी कि आप कौन सा पोजीशन में जा रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो वो जो फॉर्म है, फॉर्म को फिलअप करके भेजना होता है। जैसे आपका सारे फॉर्मेलिटीज हो जाते हैं, उसके बाद कंपनी आपके लिए, कंपनी का जो एचआर है वो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट पास का अप्लाई करती है। अप्लाई करने के बाद 15 से 14 वर्किंग डेज कह सकते हैं आप, 14 या 15 डेज वर्किंग डेज के अंदर आपका अप्रूवल लेटर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं आईपीए लेटर। ठीक है, वो लेटर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप 6 महीना तक आपको उसमें वैलिडिटी रहता है ई पास के लिए। 6 महीने के अंदर आपको सिंगापुर पहुंचना ही है। तो 6 महीने में जैसे आप इंडिया से फ्लाई करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपका जो वीजा है वो आपका 3 साल का तो रहता ही है, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको जो आईपीए रहता है उसमें जाना ही है। अब आप बात करें कि क्या पासपोर्ट के अंदर स्टाम्पिंग होता है, यानी कि जैसे आप यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं और जो क्रोएशिया जाते हैं, तो जो वीजा बन के आती है, मतलब आपका पासपोर्ट में चिपकता है ना ये, ठीक है, आप सऊदी भी जाते हैं तो वहां भी लगता है वीजा, ठीक है, तो क्या ऐसा होता है? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल घबराइएगा मत। ये होता है, जो वीजा होता है वो आईपीए में ही रहता है, और आप कह सकते हैं इसको ई वीजा, ठीक है। और जब आप जाएंगे दोस्तों, उसके बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट होता है एयरपोर्ट में, वो आपको स्टाम्प कर देगी आपका पासपोर्ट में कि दिस पर्टिकुलर पर्सन अराइव्ड इन सिंगापुर, ठीक है, आपको इन कर देंगे सिंगापुर के अंदर, तो उस टाइम स्टाम्पिंग कर देंगे। उसमें आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि आप कौन सा पास में आ रहे हैं, कौन सा वीजा में आ रहे हैं, चाहे ई पास हो, एस पास हो, डब्ल्यूपी हो, पता चल जाएगा उसमें। अब बात करते हैं फाइनली, क्या हम अपना परिवार को लेके जा सकते हैं हमारे साथ? अगर हमारे पास ई पास है और हम अगर सिंगापुर में काम कर रहे हैं, तो क्या हमारे डिपेंडेंट जैसे स्पाउस है, बच्चे हैं, तो क्या इनको हम लेके जा सकते हैं? तो दोस्तों अगर आपका सैलरी मिनिमम 6,000 सिंगापुर डॉलर से क्रॉस करता है, तभी जाके आप एलिजिबल होते हैं कि आप अपना स्पाउस या अपना किड को लेके, अपने बच्चे को लेके आप सिंगापुर ट्रैवल कर सकते हैं, वहां लेके रख सकते हैं। अगर आपका सैलरी 6,000 सिंगापुर डॉलर से कम है, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक योर फैमिली एज डिपेंडेंट वीजा। तो दोस्तों ये था सारा इंफॉर्मेशन अबाउट ई पास। मुझे लगता है आपको जितना भी डाउट था होगा ई पास को लेके, सिंगापुर जाके काम करने को लेके, तो आपका डाउट आज क्लियर हो गया होगा। वैसे तो सिंगापुर जिसका भी एक ड्रीम होगा जाने का, तो कई प्रकार का जो वीजा है, जो मैंने इस वीडियो का शुरुआत में बताया था, और जितने मैंने वीजा बताया है उसका मैं सारा बारी बारी करके वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके, क्योंकि सिंगापुर की बात है, ठीक है। तो जो भी जानना चाहता है, किसी ना किसी वीजा को लेके आप जा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नया टॉपिक नया वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप ट्यून्ड, लव एंड ग्लोबल करियर प्लानर।